एतमादपुर बरहन रोड स्थित जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर 4 प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 80 से ज्यादा जनपदों की टीमों ने भाग लिया है। इस अवसर पर जॉन मिल्टन के निदेशक श्री विशाल बंसल जी ने श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भारतीय जनता पार्टी प्रणीत उत्तर प्रदेश को गेस्ट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री जी ने कहा, नियमित खेल से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। साथ ही उन्होंने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। श्री वीरेंद्र कुमार मित्तल जी ने टीम के खिलाड़ियों से मिलकर परिचय प्राप्त कर खेल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य नमिता भट्ट, विद्यालय के संस्थापक विनोद बंसल जी, लाखन सिंह जी, सीबीएसई के पदाधिकारी एवं अन्य टीमों के कप्तान उपस्थित रहे। नमस्कार बंधुवर, सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री, भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भारतीय जनता पार्टी प्रणीत उत्तर प्रदेश से हूँ। बंधुओं, आज सीबीएसई क्लस्टर 4 के शुभारंभ के मौके पर श्री विशाल बंसल जी द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जॉन मिल्टन स्कूल में किया जा रहा है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता सीबीएसई के द्वारा जो क्लस्टर हमेशा आयोजित किया जाता है, वह रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुभारंभ किया जाता है। खेल प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए सीबीएसई नियमित रूप से कार्य कर रही है। सीबीएसई का मानना है कि खेल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन में शिक्षक और शिक्षक का। साथ ही एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो खेल कूदों को प्राथमिकता देना हमारा भी फर्ज है। आज सीबीएसई की क्लस्टर 4 की प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर से श्री विशाल जी द्वारा सम्मानित किया गया। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यालय के संस्थापक श्री विनोद बंसल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस सुंदर प्रतियोगिता के आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्नेह वंदन करते हुए अभिनंदन करता हूँ। सभी खिलाड़ियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये स्वस्थ प्रतियोगिता का प्रदर्शन करते हुए विजेता बने, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, सभी को मेरा नमस्कार।